सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू DSA ग्राफिक चैनल। एंड दोस्तों, आज जो है बहुत बढ़िया सा पोस्टर डिजाइन करते हैं, तो वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो कि रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। एंड इसकी एक और कॉपी कर लेते हैं, इसको साइड रखते हैं, हो सकता है इसकी ज़रूरत पड़ जाए, ठीक है। ओके, ना यहाँ पर जो ब्लू कलर यूज़ करते हैं, इसका जो है डार्क, इसको जो बिल्कुल हम डार्क करते हैं, इसका कलर को बिल्कुल डार्क कर लेना है। इस तरीके से इसको डार्क कर लेते हैं हम। ओके, तो थोड़ा सा और डार्क करते हैं, डबल क्लिक कीजिए यहाँ पे एंड कलर को थोड़ा डार्क कर लीजिए और डार्क। ओके, इतना बहुत है। सो अब जो यहाँ पे जो ग्रेडियंट यूज़ करते हैं, तो जी प्रेस कर लीजिए ग्रेडियंट के लिए एंड इसको जो इलिप्सियल शेप में कर लीजिए, ठीक है। एंड अब जो ये इलिप्सियल शेप हो गया, तो यहाँ पे जो इसको सेंटर में लाते हैं एंड यहाँ पे जो हम कलर यूज़ करते हैं, ब्लूज या आप पिंक कलर यूज़ कर सकते हैं या ऑरेंज ब्लू। ओके, हल्का सा जो है बैंगनी कलर हम यूज़ कर रहे हैं, परफेक्ट। इसको हल्का सा नीचे करते हैं, ठीक है। ओके, अब इतना हो गया। अब जो यहाँ पे जो है हमने इमेजेस डाउनलोड करके नेट से, अब सिंपली इन इमेजेस को जो डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे जो अपनी इमेजेस को जो है यूज़ करते हैं, ठीक है। दोस्तों, इमेजेस को भी सेट करना एक बहुत बड़ी बात होती है। उससे पहले यहाँ पे जो हम क्या करते हैं, रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं, छोटे छोटे कुछ इलिप्सियल शेप टाइप, ठीक है ना, लाइटिंग के लिए। तो इस तरह हमें लाइटिंग के लिए जो शेप करनी है। ओके, ना अब जो है इसको जो है ट्रांसपेरेंसी करते हैं, यहाँ से यूनिफॉर्म कर लेते हैं, इसको जो है हम देखते हैं ओवरलैप करते हैं नहीं, यहाँ से ऐड करते हैं। ओके, ऐड कर लीजिए, ऐड वाले ऑप्शन पे जाइए, इसको ऐड कर लीजिए। उसके बाद इसकी जो है कुछ कॉपीज कर लीजिए इस तरीके से, एंड कुछ बड़े रखिए, कुछ छोटे रखिए। एंड जिनको आप छोटे रखते हो, आप चाहते हैं उनका कलर जो हल्का सा चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर इसका कलर वाइट कर लीजिए, तो ये हल्का सा जो है अपने शेप को बदलेगा, अपने कलर को बदलेगा, तो काफ़ी बढ़िया इसकी लुक आ जाएगी, ठीक है। इतना बहुत है, अभी ज़्यादा नहीं करना है, ज़्यादा से ख़राब हो जाएगा। इतना बहुत है, ठीक है। ओके, तो इतना हो गया। अब जो है यहाँ पे हम क्या करेंगे, इमेजेस जो हमने डाउनलोड करके वो जो लाते हैं, ठीक है। तो इनको अनग्रुप कर लीजिए, मैंने ग्रुप कर करेंगे तो अनग्रुप कर लेते हैं। इनमें सभी हमें यूज़ नहीं करनी, कुछ ही हमको जो यूज़ करना है, ठीक है ना। जस्ट मैंने एग्जाम्पल के लिए दे रखा है इतनी सारी इमेजेस। तो आप जो है यहाँ पे जो मैंने वुडन टेक्सचर लेते हैं, आप नेट से डाउनलोड कर सकते हैं वुडन टेक्सचर। तो यहाँ से इसको नीचे ड्रैग करते हैं शेप टूल से, इतना जिसको हाफ कर लेते हैं, ठीक है। अब जो इसको हल्का सा बड़ा कर लेते हैं यहाँ से, एंड यहाँ से पूरा ड्रैग करते हैं नीचे। ओके, अब जो इसको यहाँ पे रखते हैं, इसको जो यहाँ से, अब जो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको जो है इसमें जो हम ट्रांसपेरेंसी यूज़ करते हैं, ठीक है। ऊपर से जो इसको जो है लाइनर करते हैं, इसको ट्रांसपेरेंसी से यहाँ तक जो इसको हल्का सा ट्रांसपेरेंट करते हैं, ताकि ऊपर का कलर जो इसमें जो मर्ज हो जाए, ठीक है। मर्ज करने के लिए हमें इसमें जो ट्रांसपेरेंसी यूज़ करनी है इस तरीके से, ठीक है। परफेक्ट, ये हो गया। अब इसको जो हम हल्का नीचे ड्रैग करके जो है पावर क्लिप कर लेते हैं अभी के लिए, ठीक है। सो ये अभी पावर क्लिप हो गया है। अब दोबारा जाते हैं एंड यहाँ से हमने फैमिली को जो है डाउनलोड कर रखा है। इसको आप जो आप डाउनलोड करके जो इसको जो हल्का सा कटिंग करके जो सेव फोटोशॉप में एंड इसको जो अच्छे से बना लीजिए, ठीक है ना। सो इसका CTR लिंक मैं आपको दे दूंगा। अगर आपको किसी को CTR चाहिए इसका, तो आप जो कमेंट जरूर कर देना, और वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है ना। सो अभी इतना हो गया, हमारी इमेज को हमने यहाँ पे कर लिया। अब इसमें जो हम इसको जो हम डार्क शेडोज में यूज़ करते हैं, ठीक है ना, ताकि इमेजेस थोड़ा सा जो है रियल इफेक्ट इसमें नज़र आए, ठीक है ना। तो इसमें जो हम हल्का सा जो है ड्रॉप शेडोज यूज़ करते हैं इस तरीके से, ठीक है। जहाँ पे आपको एडजस्टमेंट सही लगते हैं, वहाँ तक जो इसको जो है शेडो को जो यूज़ कर लीजिए। बिल्कुल डार्क नहीं करना है, क्योंकि हमारी जो बैकग्राउंड है, जो हमारा वुडन टेक्सचर, वो थोड़ा सा ये कर सकते हैं हम, थोड़ा डार्क है ना, तो उसको हल्का सा आप लाइट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके ड्रॉप शेडो को जो है पावर क्लिप कर लीजिए अंदर, ठीक है ना। अब इस इमेजेस को भी जो है पावर क्लिप कर लीजिए अंदर, ठीक है। अब एडिट पावर क्लिप में जाइए एंड जो इसका टेक्सचर है, जो हमारा ये जो वुडन बैकग्राउंड है, ये थोड़ा सा क्या है, डार्क है, तो हल्का सा लाइट करते हैं, ठीक है ना। थोड़ा और लाइट, ज़्यादा लाइट हो गया है, हल्का सा और लाइट। कंट्रोल बी प्रेस करें तो आपको ये जो है सारे जो है आपको नज़र आ जाएंगे ऑप्शन, ठीक है ना। बाकी आप ऑब्जेक्ट में जाके चूज़ कर सकते हैं। सो अभी इतना हो गया है। अब क्या करेंगे हम जो है, इतना लेने से पहले हम कुछ जो है इसमें कुछ और एडजस्ट करना है इसमें इमेज में, अपनी सॉरी डिज़ाइन में। तो इसको अभी रहने देते हैं, तो एडिट में जाते हैं एंड जो है हम जो अपने बैकग्राउंड को जो ऊपर कर लेते हैं, ठीक है ना। तो सारी इमेजेस को पकड़िए और इसको जो हल्का सा ऊपर कर लीजिए, यहाँ तक थोड़ा और ऊपर कर लीजिए, हल्का सा और ऊपर,
पहले छोटा कर लीजिए इसको यहाँ तक, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके जो है लकड़ी वाला जो सॉरी जो लकड़ी का बैकग्राउंड है, वुडन बैकग्राउंड, इसको जो है हल्का सा बड़ा करते हैं, ठीक है। पूरा एडजस्ट कर लीजिए यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो अब जो इमेज को भी थोड़ा बड़ा कर लीजिए, हल्का सा बड़ा, एंड इसको जो है हल्का सा ओके, एंड हल्का सा बड़ा कर लीजिए यहाँ तक, ठीक है ना, परफेक्ट। सो अब इसे ड्रॉप सेट को जो इसमें जो है यूज़ कर लेते हैं, तो इसको हल्का सा छोटा कर लीजिए शैडो को, थोड़ा और छोटा कर लीजिए। गाइस वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ठीक है ना, वीडियो को स्किप मत करना और बिल्कुल एंड तक देखना, ठीक है। ओके तो यहाँ पे इतना हो गया, शैडो को हल्का नीचे करते हैं यहाँ तक, ठीक है, परफेक्ट, इतना हो गया। ओके सो अब जो यहाँ पे जो हम यूज़ करेंगे, हल्का सा ड्रॉप सेट यूज़ करते हैं दोबारा से। तो अगर इसका इसका यूज़ नहीं करते हम, क्योंकि पहले से हमने यूज़ कर रखा है वैसे तो। ओके ना अब जो यहाँ पे जो हम लिप्सिस खेल लेते हैं, एंड यहाँ से यहाँ इसको जो ड्रैग करने के बाद इसमें जो हम ब्लैक कलर यूज़ करते हैं, एंड इसको जो है कन्वर्ट बिटमैप कर लेते हैं हम अपने इस शेप को, ठीक है ना, इसको बिटमैप करते हैं पहले। ओके अब इसको जो गॉजियन ब्लर करते हैं, इसमें ब्लर आप डालते हैं, एंड इसको गॉजियन ब्लर कर देते हैं, हल्का सा बड़ा कर लीजिए, हल्का सा बड़ा ही इसको। ओके परफेक्ट, इतना ठीक है। अब इसको जो हल्का सा छोटा कर लीजिए, ठीक है ना, मतलब इसको चपटा करना हमें, ताकि शैडो जैसी हमें यूज़ हुए, ठीक है ना, यहाँ तक रख देते हैं इसको हल्का सा नीचे। ओके सो अब ये परफेक्ट लग रहा है, एंड इसकी लुक भी काफ़ी बढ़िया आ गई, ठीक है ना। सो अब जो इस जो हमने आपने दिया ले रखा है, आप नेट से डाउनलोड कर सकते हो आराम से ईजिली, PNG दिया अगर आप सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे जो है इफेक्ट इसमें मिल जाएंगे आपको, बहुत सारे पिक्चर्स, ठीक है। इसको जो पावर क्लिप करते हैं, एंड एडिट में जाते हैं, इसको जो है हम ड्रॉप शैडो यूज़ करते हैं, ठीक है ना, एंड ड्रॉप शैडो लेते हैं, हल्का सा नीचे ड्रैग करते हैं इसको यहाँ तक, परफेक्ट। एंड इसका जो है हल्का सा जो है इसको जो ब्रेक अपार्ट यहाँ पे, ठीक है, परफेक्ट, ये भी सही हो गया। ओके नाउ अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो हम अपनी बॉल को लेते हैं, जो आप अगर नेट में सर्च करते हो कलर बॉल्स या लाइट बॉल, तो आपको जो बहुत सारे एग्जाम्पल इसके मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो आप PNG डाउनलोड कीजिए, तो आपको जो है ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको एडजस्ट करने में, ठीक है ना। सो एडिट इसके जो ड्रॉप शैडो है, जो हमने शैडो इसमें बना रखी, इसको जो कॉपी करेंगे यहाँ पे, इसको जो है कंट्रोल वी से जो है पेस्ट कर लेंगे। सो ये पेस्ट हो गई हमारी यहाँ पे। ओके इसको जो हल्का छोटा कर लीजिए, ठीक है, तो बिल्कुल छोटा कर लीजिए इसको यहाँ से, एंड अभी इसको यहाँ से जो बड़ा कर लीजिए, हल्का सा नीचे ड्रैग कर लीजिए इसको यहाँ पे, ठीक है, इसको लगा दीजिए इस बॉल के नीचे, ताकि शैडो जैसे हमें यूज़ हो जाए इसकी, ठीक है। ओके इसको जो कंट्रोल पेज ऑन कर लीजिए और हल्का सा बड़ा कर लीजिए यहाँ से। ओके परफेक्ट। ओके अब इस पूरी इमेज को जो है डाउन यहाँ पे कॉपी कर लीजिए राइट क्लिक करके, एंड यहाँ से जो इसके मिरर को चेंज कर लीजिए इस तरीके से, ठीक है ना, तो दोनों साइड से ये एकदम एग्जैक्टली सही हो जाएगी। यहाँ से कंट्रोल प्रेस कर लीजिए, सेम उसी के बराबर जो है छोटी हो जाएगी। सो अब इसको हल्का सा बड़ा कर लेते हैं इसके शैडो को, क्योंकि यहाँ पर डार्क है तो ये दिख नहीं रहा वैसे, तो इसको जो हल्का सा बड़ा कर लेते हैं हम। ओके सो अब इतना हो गया। अब जो यहाँ पे हम लाइटिंग ले रखी है हमने, इस लाइटिंग को जो यूज़ करते हैं यहाँ पे, तो जो है ओके उससे पहले हमने जो यहाँ पे कुछ लैंप ले रखे हैं। अब यहाँ पे लैंप पे जो हमने काफ़ी थोड़ा सा जो है हमें क्रिएटिविटी यूज़ करनी इसमें, ठीक है ना, तो इसको जो यहाँ पे रखते हैं पहले। सो इसको हल्का छोटा कर लेते हैं पहले, थोड़ा और छोटा कर लेते हैं। ओके अब ये बेटर है यहाँ पे, हल्का से बाहर अंदर की तरफ। सो अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो है पेन टूल लेते हैं, एंड पेन टूल लीजिए, सॉरी हमें पेन टूल लेना हमें, एंड अब जो यहाँ पे जो हम इसको ड्रैग करना है यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक। ओके यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे, यहाँ से इसको मिला दीजिए यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे जो कलर यूज़ करना हमें, ऑरेंज कलर यूज़ कर लीजिए। ओके आउट लाइन ख़त्म कर लीजिए, एंड इसको जो है बिटमैप कर लीजिए। तो ओके सॉरी इसकी जो क्या करेंगे हम, जो रेगुलेशन है इसको जो रेजोल्यूशन बढ़ा देते हैं, ठीक है, 1000 कर लेते हैं, क्योंकि छोटा सा है तो 1000 बेटर रहेगा। ओके यहाँ से इसको जो गॉजियन ब्लर कर लेते हैं दोबारा से, ठीक है, थोड़ा इसके बल्डिंग को बढ़ाइए, क्योंकि हम इसको जो है इसके बेस में लाना है, ठीक है ना, लैम्प के बेस में लाना है, तो इसको जो है इसके बैक करना पड़ेगा, हल्का सा बड़ा करते हैं। ओके
हल्का सा बड़ा। ओके अब इसको जो कंट्रोल पेज डाउन कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है परफेक्ट। इसकी लाइट की शेडो जो पीछे से आ गई है तो काफ़ी बढ़िया सी लुक आ गई है। एंड अब जो है हल्का सा बड़ा कर लीजिए, इसको जो है राइट क्लिक कीजिए एंड यहाँ पे इसको पेस्ट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे जो कंट्रोल पेज डाउन कर लीजिए। सो अभी इतना होगा, अब जो यहाँ पे जो हम ड्रॉप शेडो यूज़ करते हैं ताकि जो स्टैंड है हमारा वो जो है लगे कि वो एकदम ज़मीन पर या लकड़ी के टेक्सचर पर टिका हुआ है ना, तो उसके लिए हमें क्या करना है, इसमें जो है हमें ड्रॉप शेडो यूज़ करनी है, ठीक है। तो इसको नीचे ड्रैग करते हैं हल्का से नीचे। ओके सही है, अब ये ज़्यादा बेटर लग रहा है। ओके अब इस इमेज को हम क्या करेंगे, पावर क्लिप कर लेंगे, क्योंकि अगर हम पावर क्लिप नहीं करेंगे तो इसका कुछ एरिया जो है बाहर जाएगा, जो हमें दिखाई नहीं देगा बट वो बाहर रहेगा, ठीक है ना। इसको जो पावर क्लिप कर लेते हैं। ओके सो अब जो यहाँ से जो इसको एक और कॉपी करते हैं इसकी यहाँ पर, ठीक है परफेक्ट। अभी पावर क्लिप के बाहर आ जाइए तो काफ़ी बढ़िया से लुक दे दी हमारे डिज़ाइन को, ठीक है। इसको डिलीट कर लेते हैं। सो अभी लास्ट में हम जो है इसमें जो हमने ये लिखा है इसको लेते हैं यहाँ पे। गाइस अगर आपको इस हीडिया चाहिए होगी तो मुझे जो है कमेंट जरूर करना, मैं आपको जो इसका लिंक जो है प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है। सो इसको जो अब इसको हल्के से जो छोटा कर लेते हैं एंड इसको जो इसके अलाइन कर देते हैं राइट, ठीक है। एंड इसको जो कंट्रोल के साथ जो है इसके राइट हैंड साइड पर जो इसको जो है क्लिक कर दो, यानी कि इसको कंट्रोल के साथ पकड़ना है एंड यहाँ पे कॉपी सॉरी कंट्रोल जेड। ओके कंट्रोल के साथ ड्रैग करना है, राइट क्लिक करके कॉपी कर लीजिए एंड अब दोनों को सिलेक्ट कीजिए इस तरह। अब इसको नीचे ड्रैग कर लीजिए एक और कॉपी करके एंड इन सबको जो है पावर क्लिप कर लीजिए। तो इन सबको जो है पावर क्लिप कर लीजिए। ओके सो अब जस्ट हमें इतना हो गया, अब जो हमें टेक्स्ट को यहाँ पे जो अपने यूज़ करना है, ठीक है। तो अभी टेक्स्ट को हम यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले उससे पहले क्या करेंगे हम, जो एक मेन चीज़ हमें जो हमें हमारे डिज़ाइन को काफ़ी लुक देगी तो वो जो है सबसे पहले हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है स्मार्ट फिल टूल यूज़ करते हैं दो सर्कल के बीच में एंड बाकी को जो है डिलीट कर लीजिए, पूरा डिलीट कर लीजिए। ओके अब इसमें जो है हम कलर फिल करते हैं डीप येलो, आउटलाइन ख़त्म करके इसको जो है इस इमेज को जो है सेंटर में लाते हैं यहाँ पे, ठीक है। हल्का छोटा कर लीजिए, हल्का सा ऊपर, हल्का सा और ऊपर। ओके अब इसको जो है पावर क्लिप कर लीजिए पहले। सो ये पावर क्लिप हो गई, अब जो एडिट पावर क्लिप में जाइए एंड इसको जो कंट्रोल पेज डाउन करते रहिए ताकि जो इसके बैक में चली जाए, ठीक है। ओके नाउ ये परफेक्ट। सो अब ये इतना हो गया है, अब जो क्या करेंगे यहाँ पे जो है अपने सर्कल को जो है हम कन्वर्ट बिटमैप करते हैं, थोड़ा सा 300 डीपीएस के कर लीजिए। ओके अब जो जाइए ऑब्जेक्ट में जाइए एंड इसको जो है ब्लर कर लीजिए, ब्लर में जाना है गॉजियन ब्लर, ठीक है। एंड इसको जो है कम कर देना है, और कम और कम और कम और कम। ओके परफेक्ट, इतना बहुत है। ओके पाव के बाहर आ जाइए, देखिए कितनी बढ़िया इसकी लुक आ गई है। सो अब ये इतना हो गया, अब जो हमने टैक्स को यहाँ पे जो है एडजस्ट करते हैं। सो इसको हल्का छोटा कर देते हैं एंड नीचे ड्रैग करते हैं यहाँ पे नहीं बिल्कुल नीचे करते हैं यहाँ पे ज़्यादा बेटर रहेगा। हल्का छोटा कर लीजिए एंड इसके फॉन्ट को जो है लोअर केस में या टाइटल केस में कर लीजिए, तो सिलेक्ट कीजिए इसको जो है टाइटल केस कर लेते हैं। ओके इसके फॉन्ट को हम चेंज कर लेते हैं, तो कर्सिव फॉन्ट यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, तो स्क्रिप्ट फॉन्ट को यूज़ करते हैं यहाँ पे। ओके नाउ इसको हल्का सा छोटा कर लेते हैं। सो अब जो है इसको भी लाते हैं एंड इसके फॉन्ट को भी चेंज करके इसको पहले छोटा करते हैं। सो इसको भी छोटा कर लेते हैं यहाँ पे। ओके इसके फॉन्ट को भी चेंज कर लेते हैं, पहले वाले फॉन्ट को हम इसमें यूज़ करते हैं, तो इसके फॉन्ट को यूज़ करते हैं यहाँ पे इसी को। ओके इसको जो है हल्का सा छोटा कर लेते हैं पहले एंड इसको जो है बिल्कुल इसके एडजस्टमेंट करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। इसको जो है डीप कर लो। सो ये हो गया, अब जो हम यहाँ पे दूसरा जो है टैक्स को यूज़ करते हैं यहाँ पे, जो लिखा हमने सेल, इसको जो है अपर केस में करते हैं। ओके इसको बड़ा कर लीजिए पहले, सॉरी छोटा कर लीजिए एंड इसको जो है यहाँ पे, ठीक है। ओके इसको जो है बोल्ड कर लेते हैं ताकि हल्का सा मोटा दिखे, दूर से दिख जाए, ठीक है।
सो इसको वाइट कलर यूज़ करते हैं अभी के लिए इतना ही। अब जो इसको लाते हैं हम एंड इसको जो यहाँ पे रख लेते हैं ठीक है। एंड इसको अब जो बिल्कुल इसके नीचे एंड यहाँ से इसको छोटा ओके। अब जो सेल को जो बड़ा कर लेते हैं हम यहाँ पे एंड इसको भी यहाँ पे साइड में रखते हैं। इसको जो है वाइट कलर एंड इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं पहले पूरा ठीक है। एंड इसको नीचे ड्रैग करते हैं इसको भी इसको जो इसके राइट एंड लेफ्ट को जो बिल्कुल अलाइन कर लेते हैं हम। इसको अपर केस करते हैं एंड इसको जो राइट और लेफ्ट से दोनों से अलाइन कर लेते हैं एंड हमारा ट्यूटोरियल जो है पूरा ही हो जाता है। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना एंड चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर आपको इसका सीडीआर चाहिए तो मुझे कमेंट जरूर करना ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।